भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला T20 मैच आज। 5 साल से वेस्ट इंडीज से T20 सीरीज नहीं आ रहा भारत। क्या कोलकाता में भी मारेगी भारत बाजी? क्या है पूरी खबर दोस्तों, जानने के लिए बने रहे वीडियो में लास्ट तक। वनडे सीरीज पर कब्जा जमाने के बाद बुधवार से 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज होना जा रहा है। फटाफट क्रिकेट के तीनों मुकाबले कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर खेले जाएंगे। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया को जीत का फेवरेट माना जा रहा है। चोट के कारण टीम के उप कप्तान KL राहुल सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऐसे में पहले मुकाबले में ईशान किशन रोहित शर्मा के साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में उतर सकते हैं। 2017 से नहीं आ रही टीम इंडिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पिछले 3 द्विपक्षीय T20 सीरीज में भारत को जीत मिली है। वेस्ट इंडीज ने आखिरी बार 2017 में T20 सीरीज में भारत को हराया था। 5 सालों में टीम इंडिया को वेस्ट इंडीज नहीं हरा पाई। T20 सीरीज से ठीक पहले IPL ऑक्शन में मौजूदा टीम इंडिया में 10 खिलाड़ियों को नीलामी में बड़े खरीदार मिले हैं। ऐसे में सभी की नजरें ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, हर्षल पटेल और शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ियों पर रहेगी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली वनडे सीरीज में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। ऐसे में आज होने वाले मुकाबले में इस खिलाड़ी से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। कोहली का पिछला शतक इसी मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ नवंबर 2019 में आया था। कोहली के अलावा श्रेयस अय्यर और सूर्यकुमार यादव से भी टीम को काफी उम्मीद होगी। एक दिवसीय सीरीज में दोनों खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में थे। तो दोस्तों, आपके अनुसार यह मैच कौन सी टीम जीतेगी हमें कमेंट में जरूर बताएगा। और क्रिकेट से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।